सो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस तरीके का स्टेटस कैसे आप क्रिएट कर सकते हो अपने लाइट मोशन में। एंड यार ये क्रिएट करना बहुत ही आसान है, ठीक है। मैं आपको कोई प्रीसेट नहीं देने वाला हूँ, मैं एक एक स्टेप आपको बताने वाला हूँ और आप सीख के जाने वाले हो, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो सबसे पहले लाइट मोशन को ओपन करना, यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाना है एंड इस प्रोजेक्ट का जो कलर होगा उसे आपको ब्लैक रख लेना और इसे क्रिएट कर देना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस वाले बटन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको कोई एक म्यूजिक ऐड कर लेना जिस म्यूजिक पे आप अपना वीडियो बनाने वाले हो। सो मैं यहाँ पे एक कोई सा भी म्यूजिक ऐड कर ले रहा हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। ये ऐड हो जाने के बाद आपको यहाँ पे अपने लिरिक्स को सुन लेना है, गाना को प्ले करना है, लिरिक्स को सुन लेना है, देन उसके बाद यहाँ पे लिरिक्स आपको लिखना है, ठीक है। लिरिक्स लिख लेने के बाद इसका जो साइज होगा उसे आपको इंक्रीज कर देना है अच्छे तरीके से, मीन्स जितना आपको जरूरी हो। देन उसके बाद इसका कलर को आपको व्हाइट रख लेना है और यहाँ पे फॉन्ट आपको दिख रहा होगा, फॉन्ट पे आपको क्लिक करना है, व्यू ऑल फॉन्ट पे आपको क्लिक करना है, देन यहाँ पे थ्री डॉट्स दिख रहा होगा इस पर आपको क्लिक करना है एंड इम्पोर्ट फॉन्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ से आपको दो फॉन्ट्स इम्पोर्ट कर लेना है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना एंड इम्पोर्ट कर लेना। और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो का लिंक दिया है जिसमें कि आपको बहुत सारे फॉन्ट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इम्पोर्ट वहाँ से भी आप कर लेना। जब आपका फॉन्ट इम्पोर्ट हो जाए देन आपको यहाँ पे इस पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। इस पर सिलेक्ट करने से आपको सिर्फ और सिर्फ ये दो फॉन्ट्स देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट वाले फॉन्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, देन इसका साइज थोड़ा मैं और इंक्रीज कर ले रहा हूँ, ठीक है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे एक और फॉन्ट ऐड करना, मीन्स लिरिक्स ऐड करना होगा, मीन्स जो हर्ट हमारा था ना उसे ऐड करना है। तो फिर से भाई हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हर्ट को मीन्स हर्ट को लाएंगे। तो हर्ट को लाने के लिए क्या करना होगा ना, इस फॉन्ट को सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद यहाँ पे एल या के इस टाइप का मीन्स कुछ लिखना तो यहाँ पे आपका फॉन्ट मीन्स ये हर्ट आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद इसका कलर को भी आपको व्हाइट रख लेना है और साइज जितना आपको रिक्वायर्ड उतना रख लेना, हाँ ठीक है। और ये हो जाने के बाद आपको ये फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसपोर्ट पे क्लिक करना है और इसका जो फर्स्ट में रहेगा ना मीन्स स्टार्टिंग पे आपको एक बटन प्लस वाले बटन को क्लिक कर देना है, बीच में एक प्लस वाले बटन को क्लिक करना है एंड एक लास्ट में करना है, ठीक है। तो लास्ट वाले में आपको इसे राइट साइड लेके चले जाना होगा और बीच वाले में इसको आपको लेफ्ट साइड लेके चले जाना होगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट और राइट करने समय ना आप ये ध्यान रखना कि इसे आप बिल्कुल सेंटर में कर रहे हो। और ये पता कैसे चलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेड लाइट जलता है तो समझ लो आपको ठीक ठाक जा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से आपको हार्ट वाले पे सिलेक्ट कर लेना एंड इसमें भी आपको उसी तरीके से तीन जगहों पे ये प्लस वाले बटन को क्लिक करना होगा। बट इसमें जो आपको फर्स्ट वाले पे आओगे मीन्स फर्स्ट वाले में हमने अभी लेफ्ट किया था बट इसे हमें अप कर देना है, इसे अप कर देना। और लास्ट में भी आया है मीन्स लास्ट में भी हमें इसे अप ही कर देना होगा, ठीक है। देन उसके बाद इसमें हमें एक इफेक्ट ऐड करना है जो कि मैं इसी में बता रहा हूँ आपको। आपको मूव एंड ट्रांसपोर्ट में जाना होगा, यहाँ पे एक कर्व टाइप का इमेज दिख रहा होगा इस पर क्लिक करना होगा एंड स्टार्टिंग में इसे आपको अप करना है, देन यहाँ पे लास्ट टाइम इसे मैंने क्यों इस तरह कर दिया, हाँ लास्ट टाइम में आना और इसे आपको डाउन कर देना है, ठीक है। यही स्टेप आपको इसमें भी करना है मीन्स हर्ट वाले में भी। तो कर्व पे चले जाते हैं एंड यहाँ लास्ट वाले में है तो इसे हम डाउन कर देंगे एंड फर्स्ट वाले में इसे हम अप कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके का हमारा स्टेटस बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेटस आपको एक ठो बना लेना है मीन्स लिरिक्स एक ठो बना लेना है, उसके बाद इसको आपको ऐसे सिलेक्ट करना होगा। अरे सिलेक्ट हो भी जा, हाँ ये दोनों को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा एंड यहाँ से इसको आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी कर लेने के बाद आपका जो नेक्स्ट लिरिक्स जहाँ से भी स्टार्ट होगा आप वहाँ पे चले जाना और यहीं से आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है यहाँ पे। और उसके बाद इस लिरिक्स को चेंज कर लेना मीन्स जो भी आपका नेक्स्ट लिरिक्स होगा उसे आप यहाँ पे लिख लेना, एक्स वाई जेड में अभी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देन उसके बाद फिर से आपको इसको नेक्स्ट में आ जाना है और लिखना है। लेकिन इसमें आपको एक प्रॉब्लम फेस करने की हो सकती है कि आपका लिरिक्स इतना ही तक था और ये इतना दूर तक आ गया, मीन्स आपका लिरिक्स 2 सेकंड तक ही था और ये 3 सेकंड से चल गया। तो क्या करना होगा उस टाइम में, आपको सिंपली से इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे टाइम स्पेंड पे क्लिक करना और इसे कट कर देना है, ठीक है। दोनों को आपको इसी तरीके से कट कर देना होगा और आपका ये जो इफेक्ट होगा ना वो गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से करके आपको अपना स्टेटस को क्रिएट कर लेना है। मैंने पहले से करके रखा हुआ है, अगर मैं अभी करने बैठ जाऊँ तो यार काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक ऐसे करके बना के रखा हुआ है। अब इसे सिंपली से आपको एक्सपोर्ट कर देना है एंड उसके बाद आपको ओपन करना है अपना नूड एडिटिंग एप्लीकेशन। नूड एडिटिंग एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड यहाँ पे आपको एक नया प्रोजेक्ट बना लेना होगा। सो प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दियो एंड यहाँ पे आपको प्लस वाले बटन पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, वीडियो पे क्लिक करना है एंड आपको अपना वीडियो को लेके आना है जिसे आपने अभी एक्सपोर्ट किया था। तो मैं यहाँ पे अपना वीडियो ले आता हूँ, देन यहाँ पे आपको प्लस वाले बटन पे क्लिक करना है, एसएस स्टोर में क्लिक करना है और ग्लो इफेक्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ग्लो इफेक्ट का जो डेंसिटी है ना, इंटेंसिटी, उसे आपको थोड़ा 2 सेकंड तक कर देना है, मीन्स आपको इंक्रीज कर देना है, ठीक है। इंक्रीज हो जाने के बाद आपको यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है, एनिमेशन बटन इसे कहते हैं एंड स्टार्टिंग में चले जाना है और यहाँ पे आपको एक प्लस वाला बटन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है।
थोड़ा सा मैं प्ले कर ले रहा हूँ एंड उसके बाद आपका जहाँ पे लिरिक्स मीन्स फर्स्ट लिरिक्स खत्म होगा ना वहाँ पे आपको एक प्लस वाले बटन को क्लिक कर देना होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक प्लस बटन है, उस पर क्लिक करके कलर कोई सा भी चेंज कर देना। देन उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्टिंग में चले आना है। ठीक है, स्टार्टिंग में आ जाने के बाद आपको यहाँ पे फिर से एक प्लस वाले बटन क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपको कोई नेक्स्ट कलर चेंज कर लेना है। मीन्स आपको करना क्या है, इसमें होगा ये कि आपको जो ग्लोइंग इफेक्ट होगा ना वो अलग अलग हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा टाइम टाइम पे आपको ये प्लस वाले बटन पे क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे आप नया कलर चेंज न्यू कलर सेलेक्ट करते रहना जिससे कि इफेक्ट इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है, देन जब इस तरीके से आपका इफेक्ट बन जाए देन उसके बाद आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपको ये एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करना है, ग्रीन बटन पे क्लिक करना है, ये हमारा एक्सपोर्ट हो जाएगा एंड हमारा वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।